मुझे एक्चुअली जो एंड था फिल्म का क्लाइमैक्स वो मैं गेस नहीं कर पाया. मेरे दिमाग में दो चार अजीब अजीब चीज़ें आई थी बट मैं ये गेस नहीं कर पाया. देयर वाज अ गुड शॉकर, अ वेरी डिफरेंट एंड एंड इट्स अमेजिंग इट डजंट लीड देयर. वेरी नाइसली स्क्रिप्टेड. आई मीन समीर, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज़ अ ब्राइट फिल्म मेकर एंड ऑब्वियसली द फिल्म हैज वॉन सो मेनी अवार्ड्स, बाउंड टू, बिकॉज व्हेन यू कम आउट यू रियलाइज ओह गॉड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. यू नो जब फिल्म प्रिडिक्टेबल हो जाती ना तो मज़ा नहीं आता, और जब आप सोचते हैं कुछ और डायरेक्टर कुछ और दिखाता है तब लगता है बढ़िया है. Which you guys haven't heard, and they are outstanding scripts. Some of the finest, craziest, innovative cinema that has come out of this man's head. So he's good. So yeah, I enjoyed the film. I like the twist. I like the turn. Some good acting. It was nice. It takes you like a breeze and then hits you hard. I think 13 minutes is too short, and it's time to narrate such a beautiful story on human relations. And the director's done a fabulous job. Anoop, of course, is my favorite, and so is Sandhya and Swati and Rajiv. I think they've done a fab job. Wishing the team loads of luck. And yeah, again, I'd like to say that 13 minutes mein itni beautiful story puri batana, I think it's commendable. As I told Sameer that he had offered me a role in the short film, and right now I'm kicking myself that I didn't do it. I couldn't do it. It's a wonderful film, and very beautifully done, very very cleanly executed and very smooth. So really love it. Thank you. बहुत ही अच्छा लगा. 13 मिनट्स की एक शॉर्ट फिल्म है एंड समीर इज डायरेक्टेड इट, सो इट लुक्स वेरी नाइस. द एंटायर थिंग सम्स अप टू द लास्ट कपल ऑफ सेकंड्स, जहाँ पे पूरी स्टोरी भी रिवील होती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें. बहुत ही अच्छे ऐसा लग रहा था कि बस अभी फिल्म शुरू हुई है, अभी थोड़ा टाइम और निकलता जाए, बट ऑफकोर्स इट हैड टू बी डन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो दैट वॉज वेरी नाइस एंड आई थिंक एवरीबडी डिड अ ग्रेट जॉब पुटिंग इट टुगेदर. एवरीबडी हू हैज बीन इन्वॉल्व इज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर एज वेल. So I think it just came out very naturally doing what they did, and so it was nice. It's nice to watch them, and Mr. Paul is a dear friend, so that's why we were here, and I would like to wish them all the best. Mujhe bahut maza aaya. It was a very very interesting short film, and very well shot. Sameer is a good director. I've worked with him quite a few times, so mujhe bada maza aaya. वेरी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग फिल्म. सिर्फ 13 मिनट की है लेकिन उसमें यू गेट योर एंटायर जर्नी क्या होता है. इंटरेस्टिंग लिटिल क्लूज रिवील्ड एंड मतलब द फुल एक्सपीरियंस. इट्स इज अ वेरी एंटरटेनिंग वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट स्क्रिप्ट, वंडरफुल. जरूर देखिए. हम तो अपने दोस्त को देखने आए थे राजीव पॉल को. हाँ. लेकिन ज़्यादा हम लोग ना ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं. कई कितने शॉर्ट फिल्म देखने जाते हैं सब उतना मज़ा भी नहीं आता है. लेकिन इसको तो मतलब जैसे ओपन हुआ फिल्म तभी हमें लगा ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग और कुछ अलग लेवल पे ये कुछ करने वाले हैं. ये नहीं पता था कि लेवल 13 तक जाएंगे. मतलब इतने ऊपर लेवल तक इन्होंने ये बनाई फिल्म. बहुत मज़ा आया सीरियसली. ये काफ़ी एंटरटेनिंग है. ऐसा लग रहा था कि हम एक्चुअली एक फीचर फिल्म देख रहे हैं. शॉर्ट फिल्म और ये फिल्म है. यू डोंट वांट इट टू एंड, खत्म हो गई उसे, अरे यार और चली क्यों नहीं. इट वाज दैट व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. यू शुड वांट मोर एट द एंड ऑफ अ फिल्म.